स्टार्टेड ये हमने टेम्पर ग्लास लिया है अपने पोको X3 प्रो के लिए, ग्लेजडन से मंगाया है। ये हमें पड़ा 465 रुपये का। आप जो चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेम्पर ग्लास है। चलिए देखते हैं पैकेजिंग, टेप इतने रहते हैं ये लोग। बॉक्स पैकेज में तो कुछ है नहीं। ये रहा हमारा टेम्पर ग्लास का डब्बा, काफ़ी सही है। टेम्पर ग्लास का ऐसा पैकेजिंग देखने को मिलता नहीं है, पर काफ़ी सही है। पैसे लगे हैं इसमें, पैसे। ये हमने देखा बॉक्स का कंटेंट। ये हमारा और स्क्रीन साफ करने के लिए, एक है भीगा हुआ, एक है सूखा हुआ। ये हमारा हो गया डस्ट स्टिकर, जो धूल कर स्क्रीन पे है या फिर बबल्स आ गए हटाने के लिए। और ये है हमारा एक्चुअल टेम्पर ग्लास, देख लीजिए, यही है हमारा टेम्पर ग्लास। चलिए आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल किया जाए क्या, पुराने वाले टेम्पर ग्लास को पिल कर लिया जाए। ये हमने कर लिया पुराने टेम्पर, टेम्पर नहीं इससे कुछ भी था। ये हमारा हो गया ड्राई पेपर और वो हमारा हो गया वेट पेपर। तो पहले वेट वाले से थोड़ा स्क्रीन देख लेते हैं, फिर ड्राई वाले से उसे साफ कर देंगे, ठीक है। पता नहीं, मैंने तो गाइड पढ़ नहीं रहा क्योंकि एक दो बार इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत। लेट्स डू इट। चलिए ज़्यादा नहीं करता। ये हमने पहले वेट वाले से स्क्रीन को वेट कर दिया, अब ड्राई वाले से इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है हमें, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रॉपरली लिट नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुझे तो आपको भी शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा सही से। अरे कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से अब हम लोगों ने इसे अच्छे से साफ कर लिया होगा, है ना, क्या लगता है सर? अच्छे से साफ कर लिया क्या हम लोगों ने? थोड़ा सा ऊपर जमा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर। शशि बोल रहा है कि जमा हुआ है कुछ, चलिए उसे भी हटा लिया जाए। एक बार फुल वाइफ कर लिया जाए। चलिए मेरे ख्याल से वाइफ हो चुका है। अब इस पर काफ़ी डस्ट दिख रहा है मुझे तो मेरे रूम में ही काफ़ी डस्ट दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डस्ट होंगे यहाँ पे। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे रूम की वजह से कहीं मेरे टेम्पर ग्लास में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ये बताइए कैसा लगता है आपको डेट एंड टाइम? डस्ट को हटा लिया जाए।
सभी साइड से डस्ट हटा लिया जाए तो डस्ट रह जाएगा, फिर एक और क्लास लग जाएगा, तो फिर तो नामुमकिन है कुछ भी करना। इसलिए क्लास लगाते समय ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इतना ज़्यादा हो सके डस्ट को हटा लें आप, अच्छा रहेगा। चलिए फाइनली हम लोग क्लास लगाते हैं। मुझे एक्चुअली याद नहीं है ग्लास कैसे लगाते हैं, ग्लास कैसे लगाते हैं क्या? अगर नीचे से उखड़ता तो काफ़ी इजी पड़ता मेरे लिए। क्या एक बार में उखड़ा है क्या ये? हाँ, और मुझे कुछ लग नहीं रहा है, यही लगा तरीका मुझे। अरे यार देखिए मेरा रूम डस्टी है कितना, एक सेकंड अभी हुआ नहीं स्क्रीन पे डस्ट आके चिपक गया। ये मुझे काफ़ी दिक्कत देने वाला है, मेरा जो रूम है ना, रूम ही मेरा काफ़ी दिक्कत देने वाला है। मेरे रूम की वजह से मेरा पूरा टेम्पर ग्लास ख़राब हो जाएगा। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, मेरे ग्लास पे भी डस्ट चिपक गई। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप एक अच्छे रूम पे कीजिएगा। क्या सच आपको दिख रहा है कि बहुत डस्ट हो गया है? दिख तो रहा है ऊपर से, जबकि अभी अभी टेम्पर ग्लास हम लोग खा रहा है ना, फिर भी इतना डस्ट आ गया, क्या करें यार, कुछ नहीं कर सकता। फिर डस्ट गिर गया, जल्दी कर वरना उस पर ज़्यादा डस्ट आ जाएगा। हाँ हमारा शशि कह रहा है कि जल्दी से आप इसे इंस्टॉल कर दें, शशि से रहा नहीं जा रहा शायद। अब हम इसे थोड़ा देर के लिए इंस्टॉल होने देते हैं। यार इस रूम का यही सीन है, इस रूम में डस्ट ही डस्ट है बस। खिड़की क्योंकि हमारा हमेशा ओपन कर देते हैं सब, पता नहीं क्यों ओपन करते हैं, हमारा तक कभी ओपन नहीं किया। क्यों ओपन करते हैं सर? गोपाल किया, क्यों करते हैं गोपाल? हमने इसे इसे कितना जन्नत बंद किया था, आपने यहाँ कौन दिन का आपको सब पता होते हुए भी आप ऐसी गलती करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्लास को प्रेशराइज करते हैं। ये तो इंस्टॉल काफ़ी स्मूथ ही हो चुका है, इशू नहीं आया उतना इंस्टॉलेशन में। तो यही टेम्पर ग्लास इंस्टॉल करने का मार्केट में 150 से 200 ले लेते हैं सिर्फ इंस्टॉल करने का, कहीं कहीं तो अच्छे महंगे टेम्पर ग्लास को। टेंशन नहीं लीजिए, हम पार्ट यूजर से लेंगे, 50 लेंगे, 150 नहीं लेंगे, डिस्काउंट देंगे यूजर को। थोड़ा सा हमने लेफ्ट में कर दिया है, मिलीमीटर, एक मिलीमीटर जैसा, इस वजह से ये बबल रह जा रहा है इस साइड पे। मेरा लाइटिंग सही नहीं था इसलिए ऐसा हो गया मेरे साथ, नोटिसेबल नहीं है ये, पर फील होता है कि थोड़ा सा हमने लेफ्ट कर दिया है, ऐसा फील आता है।
ऐसे तो ये इंस्टॉल होने में 10 मिनट तक लग जाते हैं, पर हम फोर्सफुली इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब देख ही रहे हैं, मैं नाखून का इस्तेमाल करके इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ टाइम पे, कोई सीन नहीं है ऐसा। थोड़ा देर पॉज कर सकते हैं, इसे बहुत लंबा जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा ग्लास पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं कोई बबल नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम फुल एकदम क्लीन इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े थोड़े से बबल आ जाते हैं, पर आप उसे ऐसे ही प्रेस प्रेस करके उंगली से निकाल सकते हैं। प्यार यही था, सिंपल सा इंस्टॉलेशन। बाकी रिव्यू देने के लिए बोले तो टच स्मूथ है, टच काफ़ी स्मूथ है, फील नहीं आता कि डिस्प्ले पे कुछ लगा हुआ है, एकदम नॉर्मल नेचुरल स्मूथनेस है टच में। बस यही था हमारा पोको X3 प्रो के लिए इंस्टॉलेशन। धन्यवाद आपका।